हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन से, जो कि पहले का है। ये आपके साथ थोड़ा सा लेट शेयर कर रहे हैं। तो जर्नी शुरू होता है हम लोगों का और हम लोग पहुंच जाते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार हम लोग किस लिए गए थे ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले गंगा जी के किनारे यहाँ पर जो है मेरी दादी माँ का जो है अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा था। तो इसके लिए हम लोग हरिद्वार गए थे। और ये कुछ दिन पहले का वीडियो जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये मेरे जाने से पहले का वीडियो है, जो कि मेरे जाने से एक दिन पहले ये सब हुआ था, पूजा जो भी। और हम लोग लास्ट दिन ही पहुंचे थे। तो इस वीडियो में बस फैमिली वाले ही दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग और हम लोग दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे मेरे छोटे अंकल, आंटी, मम्मी, दीदी सब लोग हैं, बुआ हैं दोनों और बड़े अंकल हैं। तो बाकी सब लोग यहाँ पे थे, बस हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। और यहाँ पे गंगा जी के किनारे ही जो भी उनका लास्ट का काम क्रिया जो होता है वो 13वीं जो मनाया जाता है वो किया जा रहा था। और यहाँ पे जो 13वीं था, 13वीं के दिन हम लोग पहुँचे थे और ये 12वां दिन जो था वो हो रहा था। यहाँ पे जो भी काम क्रिया किया जाता है, जो पंडित जी करा रहे हैं, वो सब यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे माहौल जो था बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि किसी के जाने के बाद माहौल जो है वो खुश नहीं रहता है। और यहाँ दूसरे दिन का ये वीडियो है, जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे उसके दूसरे दिन सुबह में यहाँ पे गंगा जी के किनारे हम लोग आए थे, क्योंकि गंगा स्नान भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सब लोग वो गंगा जी के किनारे नहाने का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इसीलिए गंगा जी के किनारे आए थे। वैसे सब लोग गंगा नहाए हमको छोड़ के, और मेरा ना नहाने का कुछ अपना रीज़न था इसलिए। और बाकी सब लोग गंगा जी में डुबकी लगाए थे। और यहाँ पे पानी का धारा जो बहुत ज़्यादा तेज़ बह रहा था, देख सकते हैं, यहाँ पर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है, इस वजह से मेरा नहाने का मन भी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पानी कितना तेज़ यहाँ पे बह रही है। और यहाँ पे लास्ट दिन का जो भी काम क्रिया था वो होना था, वो हो गया। उसके बाद फिर हम सब लोग नहा धो के पूजा पाठ भी ख़त्म हो गया। लास्ट दिन जो होना था सब कुछ पंडित जी जो है वो करा चुके थे यहाँ पे। और सब लोग नहाने के बाद यहाँ से पुल क्रॉस करके वापस जा रहे थे रूम पे, क्योंकि पगड़ी चद्दर वहीं पे करना था। तो लास्ट वाला जो पगड़ी वाला जो नियम होता है वो यहाँ पर नहीं होना था, वो होटल में होना था। तो इसलिए हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से सब लोग गंगा जी के किनारे से सारा लास्ट का काम क्रिया करके वापस जा रहे थे। तो सोचे थोड़ा सा वीडियो बना लें ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सके। ये वैसे इस स्थिति में तो कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, वैसे बस
फिर भी अपने मूड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत जो है सब लोग वीडियो फ़ोटो थोड़ा निकाल रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं शंकर जी का बड़ा सा मूर्ति जो है वो दिख रहा था उस साइड। और अभी दोपहर का 1:30-2 बज रहा था, उसके बाद ही ख़त्म हुआ था लास्ट का जो भी तो काम क्रिया बचा था वो। उसके बाद फिर सब लोग भूखे प्यासे फिर वापस वो पगड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। पगड़ी चद्दर होने के बाद ही फिर ब्राह्मण भोज होता है और उसके बाद फिर सब लोग फिर खाना खाते हैं। तो वापस रूम में आने के 1 घंटे के बाद फिर यहाँ पे पगड़ी का जो विध था वो किया जा रहा था, तो वो तो वीडियो हम नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पे लास्ट में ब्राह्मण भोज किया जा रहा है, तो यहाँ पे सारे ब्राह्मण लोग खाना खा रहे हैं, तो उसका वीडियो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो लास्ट का जो था ये ब्राह्मण भोज के साथ ही अंतिम जो क्रिया था वो पूरा हुआ। तो यहाँ पे ब्राह्मण लोग पहले खाना खा लें, उसके बाद फिर घर के बाकी सारे लोग खाना खाते हैं। तो शाम के 3:30-4 बज गया था सबको खाना खाते हुए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ब्राह्मण लोगों के खाने के बाद यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं शाम में, तो देख सकते हैं। और माहौल जो था बिल्कुल उदासी वाला था। और यहाँ पे सब लोग खाना खाने के बाद 2 घंटे रेस्ट किए रूम पे, और उसके बाद फिर शाम में 5 बजे सब लोग यहाँ गंगा आरती के लिए आए। तो यहाँ देख सकते हैं शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है गंगा आरती के लिए। और यहाँ का गंगा आरती तो पता ही है, सब जगह पे ये फेमस है। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग पीछे ही थे, बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर तो नहीं गए। यहाँ पे सब लोग आगे जा रहे हैं, ये छोटे अंकल भैया और आगे एक और बाकी सारे लोग जो भी थे वो लोग एक दिन पहले भी गंगा आरती देख चुके थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे अकेले ही हम लोगों के लिए ही बस आया गया था, क्योंकि हम लोग लास्ट दिन ही पहुँचे थे तो हम लोग नहीं देख पाए थे। बाकी सारे लोग एक साथ गंगा आरती एक दिन पहले बैठ के देख लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए आरती के लिए। और आगे आप लोग भी आरती को देखिए और आरती इंजॉय कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे कोशिश किए हैं कि आरती का पूरा दिखा पाए, बट आगे इतना ज़्यादा भीड़ था कि बहुत अच्छे से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो और भीड़ की वजह से हम लोग यहाँ पे पीछे ही खड़े थे कि और यहीं से वीडियो निकाल रहे थे, जो भी आ पा रहा था वैसे ही। तो यहाँ देख सकते हैं सब लोग एक साथ खड़े हैं। आरती जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ पे सब लोग अपना फूल और दिया गंगा जी में बहाने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग पहले आगे जा रहे हैं यहाँ पे, और हम थोड़ा सा सबसे पीछे थे क्योंकि सीढ़ी पे जो है फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो अकेले उतरना थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि कभी भी पैर फिसल जाता है। तो देख सकते हैं बहाने के बाद फिर हम लोग वापस चल दिए रूम की तरफ। और बहुत ज़्यादा शाम तो नहीं हुआ था, 6:30 बज रहा था, बट अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रात हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग फिर वापस निकल रहे हैं, और फिर वापस जाने के बाद रात को सब कुछ पैक करना है, उसके सुबह में सबको जल्दी ही निकलना है। और यहाँ पे ये इसको देख सकते हैं, ये लगी हुई है अपना रोड के किनारे, सामान दिख जाए बस उसको हाथ लगाए बिना नहीं रहती है। तो देख सकते हैं ये खुद में ही बिजी है, और इसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ लेना है और जो भी दिख जाए बस हाथ में डाल लेना है।
तो बस टहलते टहलते हम लोग पहुंच गए रूम पे, और फिर सबको सामान भी अपना पैक करना था क्योंकि सुबह 5:30 बजे ही सबको निकलना था, क्योंकि आज सारा जो कर्म क्रिया था वो सब हो चुका था। तो फाइनली सुबह फिर सब लोग निकलने वाले थे। वैसे तो सारे लोग 4 दिन पहले से ही आके रह रहे थे, हम लोग बस लास्ट दिन गए थे। तो वापस रूम आने के बाद देख सकते हैं रूम का नज़ारा, सब लोग एक ही रूम में हैं और सामान सबका फैला पड़ा था। तो सब लोग अपना अपना सामान जो पैक करने में लगे थे ताकि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकलना था सबको। और यहाँ देख सकते हैं मम्मी दीदी सब बेड पे बैठी हुई हैं और ये दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे थे। इसी वजह से थोड़ा सा माहौल जो था वो चेंज लग रहा था, वरना सब लोग उदास ही बैठे थे चुपचाप। और यहाँ पे दोनों मेरी बुआ हैं और सबसे पीछे छोटी आंटी हैं, तो सब लोग अपना अपना सामान देख रहे थे ताकि कुछ रह न जाए और सुबह 5:30 बजे ही निकलना है। और देख सकते हैं ये दोनों भाई बहन जो है ये दोनों मस्ती करने में लगे थे, और इनके वजह से ही थोड़ा सा माहौल जो है अच्छा लग रहा था, नहीं तो सब लोग चुपचाप बैठे ही थे उदास। और हरिद्वार का सफ़र जो था यहीं तक था हम लोगों का। सुबह सबको वापस अपने अपने घर के लिए निकलना था, तो सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता किसी के पास, इसलिए सब लोग रात में ही अपना सारा कुछ पैक कर रहे हैं। और बस यही है हरिद्वार का कुछ मेमोरीज जो हम लोगों के साथ रहेगा, ये खुशी वाला तो नहीं है। हम लोगों का दिन हरिद्वार में ख़त्म हुआ और रात को सब लोग अब खाना खा के सोएंगे और सुबह में सबको वापस निकलना है जल्दी 5:30 बजे। तो हरिद्वार का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ और बस मेरा तो 24 घंटे का ही रहा, बहुत ज़्यादा टाइम रहे भी नहीं। और यहाँ पे मेरी बुआ लोग हैं दोनों, तो सबका वीडियो बना लिए ताकि एक अच्छा मेमोरी जो है अपने पास हमेशा रहे। और फिर कब मिलना हो पाए सबसे, कब नहीं पता नहीं। तो ये हरिद्वार का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।